एक्चुअली राकेश हैदराबाद रे सांगटा मोर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे केपजेमिनी रे तार लेखालेखी रे बहुत इंटरेस्ट है। सी फर्स्ट इसक लिरिक्स टाणी की देखैतला राकेश मो सान भाई बहुत बढ़िया लिखी छी जितने फर्स्ट माने गोटे मत कल आसला तपुर सांग कुमार कल करता मो सांग हैदराबाद रे रहुची भाई ताना राकेश आ सी चाहू छी गोटे गीत करने आपंक वॉइस रे केबेडु से ट्राए करू छी आपनको माने नवा पई गोटे माने बहुत भलो गीत पई का से अपेक्षा कर रही छी आपन पई तो से गोटे गीत जदि गाई देबे हमर भाग्य कहली सेटा मो भाग्य से गोटे गीत मिलो दैट टू इश्क माने आज का टाइम से बहुत लव पेलोड्स से बहुत हार्ड ब्रोक होछ नेक्स्ट टाइम तांकर जो माने को माने मन भांगू छी नेक्स्ट टाइम से मांगर इच्छा होनी जे भल पाइबा को आ इंटरेस्ट देबे केयर देबे कि कोन तांकर मेन कथा होची मो भाबे भल पाइबा हुए यदि आपन को प्रॉपर केयरिंग आ प्रॉपर प्रॉपर झियो जने मिलत प्रॉपर प्रॉपर लवर जने आपन केयर नै परबो देन लव कैन हैपन टू अस तो आम गपटा को फास्ट गढ़लु गपटा को तैयारी कलु गपटा तैयारी कला पर हाँ भाविलु जे गप फाइनाल गला तापर आम भाविलु कास्ट पे फर्स्ट मुझे पे मिस कलिंग जॉइन करली एंड सेठी मोर पूरा एंटायर जर्नीटा शेष होता तो तांकर जो बहुत सारा मेम्बर्स मैंने थे कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑल डायरेक्टर्स तो तांकर थ्रू रे मते फर्स्ट ऑफरटा आसीतला कि म्यूजिक वीडियो रे गुटे तो मु केबे लाइफ माने या अगरो केबे भी मु म्यूजिक वीडियो एंड ऑल या फिर केबे भी एक्टिंग लाइन रे किछ करनो तो एटा बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस थिला अगर फर्स्ट हम प्रीवियस गुटे गीत करथला सानू बोली हम गले तो चलो एथर भी सानू कहबा यदि से राजी कंफर्टेबल करे हम तो लेट्स ओके हल देखिया मु आगुआ दिलबरा गोटे करी म्यूजिक वीडियो जो मोर व्यू फाइंडर टीम सहित तो मु तो समस्त सहित बहुत एक्वेंटेड थी तो जितेबले यही गीतटा आसला मो पाक मुझे इंटरेस्टेड नी इन द सेन्स गीतर सहित मुझे एक्वेंटेन्सी ना कारण दिलबराटा या पूर्व मुझे निजे गई थी तो ये गीतटा आउ जे सिंगर गई थे मु गीत ठिक्रे भी शुणी नी किंतु मते मोर टीम मते जो भाया कन्विन्स कर गीत करने तो बहुत ही भल लगी स्टोरी लाइन भी गीतर बहुत भल था गीतटा जो बारंबार बारंबार शुणिली से वेरी नाइस सॉन्ग मैंने जोटा कि आपको फिल कर एक्चुअली इश्क अर्थ कौन टाइम देखूँ एक्चुअली डायरेक्टर जो मैंने थे राजा दास आ राजेन्द्र महंत आम जा फर्स्ट आगे लोकेशन चूज करूँ लोकेशन देखला जो लोकेशन ने आमर गीत मानने ठीक लगे कि ये लोकेशन टाइम सुइटेबल हम तो जाके शूट कर तो फर्स्ट जब मुझे वीडियो कथा जान ली तो मुझे ट्राए कल कि आगर कौन कौन कम हो कौन कर देखापे तो मुझे फर्स्ट देख ली दिलबरार जो म्यूजिक वीडियोटा था मुझे एक्चुअली बहुत रिपीटेडली देख ली बिकज मतलब बहुत भल लगे गीत सहित विजुअलाइजेशन कनसेप्ट बहुत इतने सुंदर वे रे कराई था जोटा कि मुझे आगे देखी नी तो आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड टू सी दैट नेक्स्ट ऑफर जब सेमती मिलूँ तो बोधे किसी नुआ किसी नुआ एक्साइटिंग करवा भल जिनस मिले सुटिंग सेट एक्सपीरियंस सब गोटे निरा एक्सपीरियंस थाए कारण निज टीम सहित जो निजे काम कर लगे बहुत कन्फिडेन्स हाई थाए आ अंकिता हूँ फर्स्ट आमर नुआ थे एथर कि गोटे एक्सपीरियंस एक्ट्रेस भाया काम करते जमीक लगुला बहुत पूर्व से कम करेक्शन राजा राजा दास राजेन्द्र महंत थे राजेन्द्र महंत राजा दास दिज सहित तो मोर फिल्म कारीयर जब ओडार आरंभ तेल ये दिज सकाश ये दिज सहित आरंभ हो तो ये भी मत भलसे जानते मुँह भी एमं भलसे जाणी तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बनी जाए एक्चुअली जो आप लंबा कम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक हो जाए आ सत्यम आमर डीओपी तांको सहित मुझे आगुआ कम कर दिलबरार सी थे आगु की बहुत प्लानिंग करम करने को बिकज इज अ वेरी गुड इन सिनेमाटोग्राफी एंड तो टीम रो कोऑर्डिनेशन सकाशे बहुत ही एंजॉयबल थिला टोटल जर्नी जो जर्नीटा आम दी दिन शूट थिला बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस थिला से अनुसार शूट करते तो आम से अनुसार शूट करूँ जेहेतु गीतटा बहुत बहुत ही मानने कैची आ रोमांटिक तो से गोटे भल मानने सब कलरफुल देखा जावा दरकार गीतने तो से सब आम से लोकेशन ही चूज करूँ
पुरी रे शूट करथिलु एंड कोणार्क रे मेराइन ड्राइव रे भुवनेश्वर रे भी किसी शूट है छी ऑफिस सीन्स जा भी फाइनली जेतल को समरेश दा पक्ष में गलु ए गीतर फाइनेंस आपण करंतु बोली आमे भाबुतलु कि से गोटे लोक जे कि हम केते बेले कहिना कि तमे कोन करिवो केमिति करिवो कहानी कुओ गीत सुनाओ नथिंग एल्स इमिडिएटली हम कहितले नै तम दे जन को पूरे मोर बहुत भरोसा छि तो मुझ जितने सहित पूरा कथबार्ता होती से मैंने प्लानिंग करते व्यू फाइंडर जो राजा अच्छा राजेन्द्र राजा सत्यम शिवम सुंदर सहित मुझे कथली तो से गोटे म्यूजिक नहीं मो पा आसते जे आम यहीटा को प्लानिंग कर गोटे वीडियो करने तो मुझे ओके नो इश्यूज तुमने कर आई एम देयर टू सपोर्ट यू जहाँ भी बेसिक कहीं ओडिया म्यूजिक वीडियो रो एत बड़ मार्केट नहीं तो आमे बहुत पैसा खर्च करिकी बहुत पैसा स्पेंड करिकी बट बेसिक जी तुमको दरकार खर्च आई विल स्पेंड एंड आई विल प्रोड्यूस दैट तो से खुशी होते देर इश्क बिगिन आरंभ होता से मैंने मुझे एक्सपेक्ट करी एत लो बजेटेड इत भल आउटपुट करें आउ मुझे जो पूरा वीडियो देखी थी टार्गेटेड थिला से मैंने होली रे लॉन्च करने को चाहूँ तो होली रे वीडियो लाइव होता तो मोर एक्सपेक्टेशंस रु बहुत ऊपर थिला कि नाई व्हाट मु जहाँ भी एक्सपेक्ट करी ताठू बहुत भल कर सकाळ आसारे ऋतु आसे ऋतु फेरे संज बुड़े नुआ एक सकाळ आसारे मरी जाईथिली मु जियाई देलु हारी जाईथिली मु जीतेई देलु ढाली देलु प्रेम रंग जीवन रे बोधे प्रेम है गला पुणी थरे बोधे प्रेम है गला पुणी थरे उड़िया वन समरेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ये गीत प्रड्यूस कर आशा कर एंटायर ओडावासी ओडिया लोक जिते भी अच्छा भारत वर्ष भारत बाहर समस्त पसंद आसो समस्ते कह बोध प्रेम हो गला या पूर्वटा जो करूली कारण जो स्टोरी हिसाब से मत गोटे झील को प्रपोज करार कि फलो करार कि गोटे झील द्वारा गोटे झील भल पाइबा द्वारा कमी सेकेंड टाइम गोटे भल पाइबा हुए सेकेंड टाइम कमी इश्क हुए से जिनसटा ये तो मो क्यारेक्टर जहाँ थी इट्स ए वेरी प्रोफेशनल क्यारेक्टर लाइक मुझे गोटे अफिस्र बस तो से टाइप रे मेन्टेन करा पड़ूगा प्रिपेयर भी से टाइप रे ही तो सेमती किसी विशेष असुविधा ही ना दीज डायरेक्टर सांग कम कल तो दीजण मतामत को लेकिन कम कर पड़ूगा सानु भाई सांग तो मुझे करी आगर कम अंकिता नुआ थिला किंतु से बहुत माने एक्सपीरियंस थिला भले से काम करू थिला अमर एते म्यूजिक वीडियो स्टार्ट हला सेटा एक्चुअली तार टाइमिंग थिला सकाळ 11:00 एंड आई होप यू कैन इमेजिन कि माने केते रेंज रो टेंपरेचर थिला सेटा टुडे बहुत बेसी खरा थिला माने मु फर्स्ट एक्सपीरियंस करले कि मु ता अगुरु जमा भारु नथली खरा एंड एटा शूट्रे मतलब पूरा खरारे छिड़ा होकर मतलब हसवाक पड़ा गोटे मानने खाली किसी नहीं किसी रिजन नहीं तुम्हें हस स्माइल करो तो बहुत ही अजीब टाइप थिला बट हाँ कि बहुत भल लगला मैंने मजा आसा कि मानने मजाक मजाक भी सब जिन आम एक्टर एक्ट्रेस कि नु सब सब गोटे सपोर्ट थाए बैकअप थाए से मेकर मानर से
ଡିରେକ୍ଟର୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଓପିର, ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଇବେ ଆମେ ସେଇଆ ଦେଖାଯିବୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖାଇବେ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ। ତ ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲି ଏ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ। ମୁଁ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସେ, ମୁଁ କେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସେନି, ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସେ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମ କାମ ଆସେ। ଆମ କାମ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ଯାହା ସିଏ ଭାବିଥିବେ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ସିଏ ତାକୁ ଓକେ କରନ୍ତି। ତ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିମ୍ ପାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ, ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ। ଏଡ଼ିଟ୍ରେ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ସିଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ତ ମୁଁ ନଥିଲି ଏଡ଼ିଟ୍ରେ, ତ ସିଏ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ଟା ହିଁ ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଫିନିସିଂ କରିଛି ଆଣ୍ଡ କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, ମୋତେ କାନ୍ଦିବାକୁ କୁହାଗଲା, ମୋତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆସୁନଥିଲା, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନଥିଲି। ତ ଏମାନେ ମୋ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ସେମାନେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ରାଗିଲେ, ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ରାଗୁଛୁ ତୁ କାନ୍ଦ, ବଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବା ବି ଏତେ ଫନି ଥିଲା କି ମୋତେ ସେଥିରେ ବି କାନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲିସରିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଲା ସେଥିରେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମୁଁ ଦେବି ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏସ୍3 ମୁଭିଜ୍ର ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଖୋଲା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଆମ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ବି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିଲେ କି ତମେ ଆରାମସେ ନିଜ କନସେପ୍ଟରେ କାମ କର। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କାମ ଛାଡ଼େ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି କାମ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାମର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା କାମଟା ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ଓଭରଅଲ୍ ମୋ କୋ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଙ୍କିତା, ଦେନ୍ ମୋ ଡିରେକ୍ଟର ମୋ ଡିଓପି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍ଟାରେ ଯେଉଁଟା କଫି ସପ୍ରେ ଯେଉଁଠି ହିରୋଇନ୍ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲାଇଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦିନ ମାନେ ଇଭିନିଂ 4ଟାରୁ ମୁଁ ଲାଇଟିଂ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଯେମିତି ରାଜା ଦାସ କହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଉ ଜଣେ ବି ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସିଏ, ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଭାଇ, ସିଏ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର। ପୁଣି ଆମର ଲାଇଟିଂରେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେଥିରେ ଟାଇମ୍ ଦେଲୁ। ତ କଫି ସପ୍ରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ମଜାଦାର ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେ, ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ କି ଆମେ ଯାହା ବି ମିଳିବ ସବୁ ଖାଇଦେବା। ବଟ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୁତ ମିଳୁଥିଲା, ତ ମକା ମିଳୁଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ ମକା ଦରକାର। ତ ସେ ଆମ ସେଇ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାକେଶ ଭାଇ, ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କି ତୁମେ ନେଇକି ଆସ ଖାଇବା, ଆଉ ସେ ବିଚାରା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠୁ ବୋଧେ 1.5 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ ଦୂର ହୋଇଥିବ ସେଇ ଯେଉଁ ମକାର ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା, ତ ସେଇଠୁ ଯାଇକିନା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଖାଇବା, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଯେଉଁ ମକାଟା ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିଲେ, ମାନେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ମନେ ରୁହେ ମୋତେ ଏବେ ବି। କେଉଁଥିରେ ବି ଇଭେନ୍ କେଉଁଥିରେ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନଥିଲୁ, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲି ଦେଖୁଥିବେ ଗୀତଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, କପଡ଼ାଘର ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯାଉଥିବ, ଯାହା ବି ହଉ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମ ସପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା, ସମରେଶ ଦାଦାଙ୍କର ଥିଲା, ଡିଓପି ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟମ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଠି ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଗୀତ ସହିତ, ବହୁତ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ 15 ଡେଜ୍ ହେଲା ଗୀତ ସୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲୁ। Once again, I would like to request, please do like our video. The appreciations you have already given us, please do continue with that. We would really feel blessed. And please do like, share and subscribe our video in Odia 1.
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओडिया वन थैंक यू सो मच नमस्कार लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ थैंक यू